हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने पिछले सेशन में एक हाइबरनेट फ्रेमवर्क को समझने के लिए कि हाइबरनेट बेसिकली क्यों आया या हाइबरनेट ORM पैटर्न को फॉलो करता है तो ORM पैटर्न क्यों आया, ORM कंसेप्ट को जानने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जिस प्रोग्राम में हमने मैनुअली हमने अपना एक परसिस्ट क्लास बनाया, कनेक्शन प्रोवाइडर बनाया और एक ऑपरेशन करके क्लास बनाई, जिसमें ऑपरेशन क्लास को हमने सारा डेटा दिया, उसने सारा इंसर्ट क्वेरी को यूज करते हुए डेटा स्टोर किया था, जिसमें हमने ये देखा कि ये जो ऑपरेशन क्लास है ये बनाना बहुत टफ है, ये एक डेवलपर के लिए बहुत टफ वाला काम है। हाइबरनेट कहता है कि यही सारा काम मैं बहुत ईजिली कर दूंगा, तो वो कैसे कर देगा, इसी चीज को इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाइबरनेट का एक फर्स्ट एप्लीकेशन, बिल्कुल बेसिक सी एप्लीकेशन बनाना यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इक्लिप्स हमारा यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे हम जाएंगे फाइल में जाके, चाहे तो हम इसी प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फाइल में जाके न्यू करके एक बिल्कुल जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। देखिए, यहाँ पे कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है, आप चाहें तो हाइबरनेटिक विद वेब भी चला सकते हैं, बट अभी मैं जावा एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अब ये जो जावा एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को आप मैवन से भी बना सकते हो। मैवन से बनाने से फायदा ये होगा कि आपको जो जार फाइल्स होंगी, जो डिपेंडेंसीज होंगी, वो एक पॉम डॉट एक्सएमएल में एंट्री करने से सब आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल जावा एप्लीकेशन बनाता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको विद आपको मैवन भी बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट हाइबरनेट, ठीक है। ऐसे हमने करके एक एक प्रोजेक्ट बना दिया और उसे नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर देते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंदर और हाइबरनेट के एक प्रोग्राम को करने के लिए बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बता दूँ। अगर आपने मेरा स्टार्टिंग का वीडियो, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो अगर देखा भी होगा, मैंने बताया भी है, आपको सबसे पहले एक हाइबरनेट की जो जार फाइल्स होती हैं वो लाना होगा, देन एक CFG फाइल होती है, एक HBM फाइल होती है और फिर मेन होता है, एंड देन आपको एक परसिस्ट क्लास होती है। तो ये चार पांच चीजें आपको चाहिए होंगी। तो देखिए, हाइबरनेट फर्स्ट करके जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे माई पैक पैकेज के अंदर की ये सारी चीजें मैं यहाँ से कॉपी करके इस SRC में पेस्ट करूंगा, जिसमें कुछ चीजें मैं डिलीट भी करूंगा अभी। जैसे यहाँ पे मुझे कनेक्शन प्रोवाइडर नहीं चाहिए, जैसे ऑपरेशन क्लास मुझे नहीं चाहिए, तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप इमेजिन करो, आप सोचो कि अगर ऑपरेशन क्लास नहीं होगी, कनेक्शन प्रोवाइडर क्लास नहीं होगी, तो आखिर हाइबरनेट में ये सारा काम कैसे होने वाला है। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हाइबरनेट कहता है कि सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जिस भी डेटाबेस को आप यूज करने जा रहे हो, जैसे MySQL यूज करने जा रहे हो, Oracle यूज करने जा रहे हो, तो उस डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन, मतलब स्पेशली ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आप अपने डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन, डेटाबेस क्या है, उसका URL क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सब कुछ एक फाइल में संभाल के रख लीजिए, जिसको बोलते हैं CFG फाइल, हाइबरनेट CFG, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। देखिए, हाइबरनेट के दो वर्जन हैं, हाइबरनेट में बेसिकली एक वर्जन है 2.x का और एक 3.x का, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन। तो एनोटेशन से हम यहाँ काम नहीं करने वाले, हम विदाउट एनोटेशन काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक CFG के साथ HBM फाइल भी बनानी पड़ती है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आप हाइबरनेट का एप्लीकेशन विद एनोटेशन बना रहे हो तो HBM की जरूरत नहीं पड़ती है, और एनोटेशन से नहीं बना रहे हो, विदाउट एनोटेशन बना रहे हो, तो HBM बनाना पड़ता है, जिसको हाइबरनेट मैपिंग फाइल बोलते हैं, HBM, ठीक है। तो कैसे बनता है समझते हैं। देखिए, ये दो क्लासेस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन क्लास का जो सेम मेथड हम चला रहे थे वो तो अब हमें बनाना ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास टेस्ट क्लास है और मेरे पास परसिस्ट क्लास है, तो दो चीज़ें आ गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, CFG बनाने से पहले हाइबरनेट की जार फाइल, यानी कि हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ सेट ऑफ APIs, तो जितने भी फ्रेमवर्क बनाया उसने APIs दिया, उसने जार दिया, तो वो जार आपको लाना पड़ेगा। आप गूगल पे टाइप करिए हाइबरनेट जार्स, तो आपको एन नंबर ऑफ बहुत सारे लिंक मिलेंगे जहाँ से आप हाइबरनेट की जार फाइल डाउनलोड कर सकते हो। हाइबरनेट की कोर, मतलब बेसिक जार फाइल्स जो होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। गैस, यही काम आपको अगर नहीं करना है तो आप बस क्या कर सकते हैं, मैवन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल हाइबरनेट की जो जार फाइल हैं वो मेरे पास यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर, ये जार फाइल अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिस लिंक में आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट का जिप फाइल ही होगा, और इस जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर, उसके लिब में ये ऑलरेडी मैं ये सारा चीज़, या आप रेफरेंस के अंदर मैं ये सारा जार फाइल उठा के रख दूंगा,
तो ये जार फाइल भी आपको मिल जाएगी और सीएफजी एचबीएम जो भी चाहिए पूरा प्रोजेक्ट आपके पास होगा। तो फिलहाल ये जो जार फाइलें हैं, ये सारी जार फाइलें आपको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एड ऑन करना पड़ेगा, राइट। अगर वेब एप्लीकेशन होता है तो लिब में ऐड कर देते हैं, अगर नॉर्मल एप्लीकेशन है तो आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे जाना होगा, एड एक्शनल जार्स, और एड एक्शनल जार्स में ये जो पाथ है ये मैं यहाँ से इस पूरे पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इस लोकेशन पे मेरी सारी जार फाइल्स हैं, तो आपको ये जार फाइल लानी पड़ेंगी रिक्वायर्ड जितनी भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरे पास MySQL का कनेक्टर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ MySQL डेटाबेस यूज करूँगा, तो MySQL का कनेक्टर की जार के लिए मैं यहाँ से अपने ई ड्राइव के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं आपको हाइबरनेट MySQL का कनेक्टर की जो जार फाइल है वो भी ऐड कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से MySQL का कनेक्टर आ गया। बस ये कुछ जार फाइल हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके लिख भी सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो, वैसे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर आपको दे दूंगा, ठीक है, इसे अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जार आ गई, और यही जार फाइल आपको मैनुअली लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप क्या कर लेते, आप हाइबरनेट की एप्लीकेशन मैवन से बना लेते, ठीक है। तो तीन चीजें हमारे पास हो गई, एक परसिस्ट क्लास हो गई जिसको हम पोजो बोलते हैं, जो कि हमने बनाया नहीं, ये पहले पिछले सेशन में हमने बनाया हुआ है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं किया गया, प्राइवेट डेटा और पब्लिक सेटर गेटर मेथड बनाए गए हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर लेते हैं। एक मेन क्लास हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने कोई कोडिंग नहीं करी है, बस इंप्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके सेटर मेथड में कुछ डेटा डाल दिया है और कुछ हमने क्या करा, जार फाइल यहाँ पे डाल दिया। तो तीन चीजें हमारे पास हो गई, एक मेन क्लास हो गई, एक इम्प्लॉय हो गया और एक जार फाइल्स हो गए। अब दो चीजें और हमें बनाना है, पहला सीएफजी, दूसरा एचपीएम। तो हाइबरनेट की एप्लीकेशन के लिए सीएफजी एचपीएम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीएफजी और एचपीएम फाइल बनती कैसे, देखिए आप अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, न्यू करके यहां से देखिए अदर ऑप्शन में जाके एक्सएमएल ऑप्शन आता है, यहां पे आप एक्सएमएल ऑप्शन दिखेगा, एक्सएमएल में जाइएगा, एक्सएमएल फाइल यहां से नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब आपको बिल्कुल एक बेसिक एक्सएमएल फाइल बनानी है जिसका नाम रखना है हाइबरनेट cfg.xml, ठीक है। तो हाइबरनेट डॉट cfg.xml, ठीक है, ये रख लीजिए, बिल्कुल एक टेम्पलेट आप ले लीजिए और यहाँ से आप फिनिश कर लीजिए। तो देखिए हाइबरनेट की cfg.xml यहाँ पे आपको दी जाएगी। अब आपको जिस तरह से आपने cfg.xml बनाया, बिल्कुल इसी एक्सएमएल को कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ से अब आप लिख दीजिए, एक HBM फाइल भी बनाइए, बट HBM फाइल जो बनती है वो पर पोजो के लिए बनती है, यानी कि जावा बीन के लिए बनती है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए बनती है, तो इसलिए मैं इसका नाम emp-hbbm.xml लिख देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि एक हाइबरनेट की एप्लीकेशन में, बहुत ध्यान समझिएगा, एक हाइबरनेट की एप्लीकेशन में जो पांच चीज़ें होती हैं, एक CFG फाइल, एक HBM फाइल, एक टेस्ट मेन क्लास और एक पोजो और साथ ही साथ आपकी जार फाइल, तो ये पांचों चीज़ें अब आ चुकी हैं। बट क्वेश्चन है किसका क्या यूज है। देखिए जार फाइल का तो यूज आपके लिए ये है कि अगर जार फाइल ही नहीं होगी तो आप हाइबरनेट की APIs को यूज नहीं कर पाओगे, हाइबरनेट की जो कोर कंपोनेंट क्लासेस हैं उनको नहीं यूज कर पाओगे, जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सेशन, जैसे सेशन फैक्ट्री, ये कैसे यूज करोगे, ये सब APIs हैं तो वो जार फाइल में है। CFG फाइल इसलिए जरूरी होती है कि आपके हाइबरनेट के अंदर जो भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, सब इसी CFG में लिखी जाती हैं और साथ ही साथ इसी CFG में HBM की एंट्री भी होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो फाइल के अंदर पहली चीज तो HBM की एंट्री होती है, दूसरा डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन इसी में लिखी जाती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि वन हाइबरनेट एप्लीकेशन पर CFG, मतलब एक हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए एक ही CFG फाइल बनती है, मतलब वन CFG पर हाइब्रिड एप्लीकेशन, ऐसे आप बोल सकते हो कि एक CFG कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरी हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए एक होती है, बट जो HBM होती है ये हर पोजो के लिए अलग अलग होती है, यानी कि हर बीन के लिए अलग अलग होती है, हर हर आप समझ लो परसिस्ट क्लास के लिए अलग होती है, क्योंकि इस EMP क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ID है, नेम है, कंपनी नेम है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज की एंट्री इसके अंदर होती है, ठीक है। तो HBM तो आपके पोजो के अकॉर्डिंग होगा और CFG पूरी हाइब्रिड के एप्लीकेशन के अंदर एक होगा। चलिए CFG में जो सबसे पहले, ये सबसे टॉप पे लिखा आ रहा है,
ये CFG का XML का वर्जन है। वर्जन के अलावा अब हमें बताना पड़ता है यहाँ पे DTD। अब DTD के अलावा आप डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रखोगे, जैसे डेटाबेस जो आप यूज कर रहे हो उसका URL, यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये सब कुछ मैं लिख के रखा हूँ। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ से अभी कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो आप यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई ये सारा चीज़ हमें कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ अगेन कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पूरा मैं आपको लिंक इसका भेज दूंगा प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको CFG में क्या क्या एंट्रीज हैं वो मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ये XML का वर्जन है, और ये है उसके डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन, DTD। आप DTD का मतलब होता है कि भाई जो भी यहाँ पे आप एंट्रीज यूज कर रहे हो, इन सारी एंट्रीज की डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने एक टैग यूज करा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये टैग है और टैग की डेफिनेशन यहाँ पे है DTD में। सेशन फैक्ट्री, ये टैग है, इसकी डेफिनेशन DTD में है। तो जितने टैग हैं इन सारे टैग की डेफिनेशन ऊपर होती है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे DTD हो गई जो सारे डेफिनेशन को कंटेन करके रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये आपके जार फाइल में है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें सबसे रूट टैग है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन ओपन करिए, क्लोज कर दो आप, ठीक है। नीचे यहाँ देखिए क्लोज हुआ है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद होता है सेशन फैक्ट्री, ये आप बिल्कुल रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप XML का वर्जन देते हो, फिर DTD देते हो, देन हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें बताना पड़ता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम होता है जिसका नाम है HBM2DLL.auto। ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये एक फिक्स प्रॉपर्टी है जो आपको बताना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ पे वैल्यूज़ क्या दोगे। ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, जैसे इसमें क्रिएट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। तो आपने कहा सर ये प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है, इस प्रॉपर्टी का ये यूज़ है, हाइबरनेट कहता है कि अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो हाइबरनेट के थ्रू और उसमें आप चाहते हो कि आपका जो टेबल है डेटाबेस के लिए जो किसी पोजो का डेटा संभाल के रखेगा, तो वो क्या होगा, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो अपडेट, मतलब ये क्या करेगा, एवरी टाइम ये चेक करेगा डेटाबेस में जाके कि क्या टेबल बना हुआ है जो यूजर ने एंट्री करी है HBM में। अगर नहीं है तो ये टेबल क्रिएट कर, मतलब आप समझ लो सिंपल सा, मतलब ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। तो फिर ये डायलेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द डायलेक्ट, ध्यान से सुनिए। डायलेक्ट जो होता है ये बेसिकली क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। ये भाई हाइबरनेट एक इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इसके मेथड्स में डेटा डालो, आप इसके मेथड में ऑब्जेक्ट डालो और इसके मेथड्स, ये मेथड अपना ये खुद चेक करेगा मेथड में जाके कि ये डेटाबेस कौन सा है, URL कौन सा है, और जो डेटाबेस होगा उसके लिए क्वेरी जनरेट कर देगा, उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज भी करेगा। तो आखिर ये काम कैसे करेगा, डायलेक्ट के थ्रू, इसलिए डायलेक्ट यहाँ दिया जाता है, राइट। तो डायलेक्ट बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि हर डेटाबेस के लिए अलग अलग होता है। डायलेक्ट्स को ही देख के हाइबरनेट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ पाता है कि भाई मुझे इस डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करनी है। तो देखिए अभी आप यहाँ पे मैंने जो डायलेक्ट की वैल्यू दिया है ये ओरेकल के लिए दिया है। तो ऐसे ही जैसे आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो, जैसे मान लो आप यूज कर रहे हो MySQL, तो MySQL के लिए डायलेक्ट आपको सर्च करना पड़ेगा MySQL का क्या डायलेक्ट होता है, ठीक है। उसका URL भी, उसका यूजर नेम भी, उसका पासवर्ड भी, उसके ड्राइवर क्लास को भी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनुअली डालनी पड़ेगी। ये सब ओरेकल के लिए बेसिकली डाला गया है। तो मैं इसको, ये सारी चीज़ों को यहाँ से चेंज करके मैं MySQL के लिए कर देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे MySQL डेटाबेस यूज करूँगा। तो MySQL का डायलेक्ट होगा, MySQL का URL होगा, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड और उसी का ड्राइवर होगा। तो गाइज यहाँ पे बस ये एंट्रीज होती है, और एक लास्ट में एंट्रीज और होगी, वो होगी आपके उस पर्टिकुलर HBM की एंट्री यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे मैं एक सेशन फैक्ट्री के अंदर ही यहाँ पे एक टैग होता है, यहाँ पे हाइबरनेट मैपिंग करके टैग होता है, वेरी सॉरी सेशन फैक्ट्री के अंदर नहीं होता, सेशन फैक्ट्री के ही अंदर होता है मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग और उसके बाद यहाँ पे होता है रिसोर्स, ठीक है। मैपिंग रिसोर्स में आप क्या कर दिए बता दीजिए कि माई पैक पैकेज के अंदर ही हमारे पास एक emp.hbm.xml फाइल है, ठीक है। तो ये HBM फाइल की एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी। ये HBM फाइल यही है, ये सेम HBM फाइल, ये जो हमने emp.hbm.xml बनाया हुआ है। चलिए अब हमें कुछ एंट्री चेंज करनी है, क्योंकि मैं यहाँ ओरेकल डेटाबेस नहीं MySQL डेटाबेस यूज करूँगा। तो MySQL का डायलेक्ट, MySQL का URL, MySQL का यूजर नेम, पासवर्ड और उसके ड्राइवर की एंट्रीज करनी पड़ेंगी। MySQL का यहाँ पे डायलेक्ट दे दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे मैंने
MySQL का URL, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि मेरे MySQL का कोई पासवर्ड नहीं है, और ड्राइवर का नाम दे दिया है, ठीक है, और HVM की एंट्री कर दी है। अब हमें क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे HVM फाइल की एंट्री करी है, इस HVM फाइल में हमें जाके चेंजेस करना होगा। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप। हाइबरनेट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये एक बार आपको बनाना है और उसके बार बार इसे यूज करना है, आपको बार बार इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप डायलेक्ट URL, यूज़र नेम, पासवर्ड, ड्राइवर और HVM की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये एंट्री बता रहा है कि ये डेटाबेस में ऑटोमेटिकली टेबल बनाएगा, इस डायलेक्ट को यूज करके क्वेरीज क्वेरीज को जनरेट करके क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करेगा, ये कनेक्शन URL और यूजर नेम पासवर्ड यूज करके ड्राइवर यूज करेगा, राइट। तो अब इस CFG को हम बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के HBM फाइल में। देखिए, फ्रेमवर्क में जो चीज़ें समझना टफ होता है, दैट इज़ आप बोल सकते हो कि उसका सेटअप, एक बार उसका सेटअप अगर आपको समझ में आ जाता है कि किसमें क्या करना है, तो बाकी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो CFG में जो एंट्रीज करनी है वो फिक्स्ड है, वो कभी बदलेगा नहीं। HBM के अंदर भी आपको अब अगेन DDD लगाना पड़ेगा, और DDD के बाद अब यहाँ पे आपको अपनी जो पोजो क्लास है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर HBM की DDD जो है मेरे पास है, तो इसे मैं ऑलरेडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने हाइबरनेट मैपिंग और जहाँ जहाँ कन्फिग्रेशन है वहाँ मैपिंग लिख देना होता है, बस दैट्स इट। और उसके बाद यहाँ से ये हाइबरनेट की जो DDD है, इसमें जो सबसे रूट टैग है वो है हाइबरनेट मैपिंग। हाइबरनेट मैपिंग के अंदर आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या होगा, अब आपको मैपिंग के लिए मैपिंग क्लास बतानी है कि आपकी क्लास का नाम क्या है, तो क्लास, और यहाँ से लिख दिया हमने क्लास का नाम, तो जो माई पैक नाम का पैकेज है वहाँ पे हमारी क्लास का नाम है EMP, यानी कि EMP क्लास के लिए HBM बनने वाला है, राइट। तो फिर इस क्लास के लिए टेबल भी आप चाहते हो कोई? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र नाम का एक टेबल बन जाए, इसके लिए ऑटोमेटिकली बन जाएगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो आप कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत आसान हो जाने वाला है चीज़ें। फिर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है ID, ID एट्रीब्यूट बेसिकली होता है प्राइमरी की बनाने के लिए, इस क्लास के अंदर किस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो उसका नाम बताइए। तो मैंने नेम दे दिया ID, यानी कि ID फील्ड जो हमारी इस पर्टिकुलर EMP क्लास में ही है, देखिए यहाँ पे ID नाम का फील्ड है ऑलरेडी, तो इस ID को एक प्राइमरी की बना देगा ये ऑटोमेटिकली, राइट। और वो बनाना जरूरी है, हाइबरनेट में इसके बिना काम होगा ही नहीं। अब फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैग में बेसिकली हमें उन प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखना है जो जो प्रॉपर्टीज़ हम इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे एक है नेम नाम से, तो यहाँ नेम लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको फिर से एक प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, CMP नेम, यानी कि कंपनी का नाम। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारी प्रॉपर्टीज़ की एंट्री, तो मतलब HBM जो है वो बेसिकली पोजो के लिए है, और जितनी पोजेस होंगी उतने HBM बनेंगे, और उसमें एंट्री करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मैपिंग लिखना है हाइबरनेट मैपिंग के अंदर, मैपिंग क्लास, क्लास के लिए टेबल, ID किस होगी, ID मतलब प्राइमरी की होगी, उसको एज अ प्रॉपर्टी एंट्री नहीं करनी है, बाकी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं ये एंट्री कर दीजिए। तो होगा क्या होगा, ये कि हाइबरनेट चेक करेगा कि आपकी क्लास कौन सी है, ठीक है, तो उसका टेबल कौन सा है, उसके लिए टेबल वो बना देगा। तो क्वेश्चन है कि कॉलम किस नाम से बनेगा, तो जो यहाँ पे ये है ID, ये नेम, ये इसी नाम से बना देगा, बिल्कुल आपको अलग से नाम बनाने की देने की जरूरत है नहीं। वैसे आप चाहें तो आप कॉलम का नाम यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ कॉलम लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड कहता है कि आप क्या करो, आप बस ID नेम लिख दीजिए, तो इसी नाम से ही वो टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। तो दैट्स इट, तो काम हो गया हमारा। हमारे HBM की एंट्री CFG में है, EMP है, और EMP में यहाँ पे, सॉरी, HBM में ऑलरेडी लिखा हुआ है किस किस नाम से टेबल बनेगा, बस यहाँ इंसर्ट क्वेरी चलाने के लिए वो सेम मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा जो ऑपरेशन में हम करते थे। तो गाइज, आपको थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपको CFG पहली बार आप बना रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार अगर कोई चीज़ करते हो आप तो टफ लगता है, बट एक बार आप इसे बना के रख देते हो, जैसे एक बार आपने CFG बना दिया, एक बार आपने HBM बना दिया, तो बार बार तो भाई ना बनाना नहीं है आपको। इन फ्यूचर अगर आपको डेटाबेस चेंज करना है तो डेटाबेस में जाके बस आपको एक लाइन यहाँ चेंज करना है, हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं जरा हम अपनी टेस्ट क्लास में। अब टेस्ट क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप JDBC जब करते हो तो कहीं ना कहीं आप ड्राइवर को लोड करते हो, कनेक्शन बनाते हो, कनेक्शन गेट करते हो, फिर उसके बाद कनेक्शन से प्रिपेयर स्टेटमेंट चलाते हो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको मैं बताऊँ, सबसे पहला काम आप क्या करिए, अपने पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसमें डेटा सेट करके रख लीजिए, राइट। दूसरा काम क्या करिए, कन्फिग्रेशन करके क्लास होती है, सो कन्फिग्रेशन जो क्लास होती है ये बेसिकली जो मैंने हाइबरनेट की जार फाइल डाली है उसके अंदर ये क्लास मिल जाएगी आपको। तो कन्फिग्रेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाइए। कन्फिग्रेशन क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो कन्फिगर मेथड होता है, वो
वो क्या करता है बेसिकली, आपकी सीएफजी फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड करके लाता है। ठीक है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास है बेसिकली ओआरजी के अंदर हाइबरनेट के सीएफजी पैकेज वाला आप यूज करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप इसका एक कॉन्फ़िगर मेथड होता है वो चलाना होगा आपको। तो डॉट कॉन्फ़िगर मेथड यहाँ पे चला दीजिए। कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर आप आपको अपनी सीएफजी फाइल की लोकेशन बतानी होती है, सीएफजी फाइल किस नाम से है, कहाँ पे है, किस तरह से है। तो ये सीएफजी फाइल मेरा माई पैक पैकेज के अंदर बेसिकली, वैसे ये करंट लोकेशन पे ऑलरेडी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लिख दीजिए हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एग्जामल, ठीक है, ये अपने आप बना देगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ही मेथड होता है बिल्ड सेशन फैक्ट्री। देखिए जैसे बिल्ड सेशन फैक्ट्री आप लिखेंगे, बिल्ड सेशन फैक्ट्री का एक मेथड होता है जिससे हमें सेशन फैक्ट्री मिल जाता है, सेशन फैक्ट्री। ठीक है, सेशन फैक्ट्री आप होल्ड कर लीजिए। ठीक है, सेशन फैक्ट्री ये आपको कुछ स्टेप्स हैं याद करने पड़ेंगे। इसके बाद सेशन फैक्ट्री के ऊपर फिर आपको यहाँ पे एक ओपन सेशन मेथड होता है जिससे आपको सेशन मिल जाता है। ये सेशन बिल्कुल कुछ और नहीं होता है, एक कनेक्शन की तरह होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसे कैसे, ये क्या है बेसिकली, इसका क्या यूज है। ठीक है, सेशन मिल गया। अब सेशन के ऊपर आप क्या करिएगा, ट्रांजेक्शन बिगन कराएंगे। तो बिगन ट्रांजेक्शन होता है जिससे हमें ट्रांजेक्शन मिल जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब देखिए ये ट्रांजेक्शन आप हाइबरनेट वाला यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या करिए, जो ऑपरेशन क्लास हम बना रहे थे बनाने की जरूरत नहीं है, इसी सेशन का ही मेथड है सेव। बस आपको सेव मेथड में अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट उठा के डाल देना है। ठीक है, और बस ये डेटा स्टोर कर लेगा और ट्रांजेक्शन को लास्ट में कमिट कर देना है। तो गाइस इस तरह से ये आपका डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आपको अब कुछ ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत है नहीं, मतलब आपके सारे स्टेप हो चुके हैं। आपको बस अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे आपकी HBM फाइल को ये रीड करेगा, चेक करेगा कि टेबल किस नाम से बनाना है, ये टेबल बना देगा, सारे काम हो जाएंगे। चलिए एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। रन रन जावा एप्लीकेशन करेंगे। देखिए एप्लीकेशन को जैसे हमने रन करा, यहाँ पे कंसोल पे एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ये आ गई कि भाई आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कुड नॉट बी लोकेटेड, यानी कि ये जो हाइबरनेट सीएफजी फाइल है ये रीड नहीं कर पा रहा है, यानी कि हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एक्सएमएल। तो हाइबरनेट डॉट सीएफजी डॉट एक्सएमएल, ठीक है, तो ये माई पैक पैकेज के अंदर है। चलिए मैं पैकेज की लोकेशन पूरी यहाँ पे बता देता हूँ। माई पैक पैकेज के अंदर हाइबरनेट सीएफजी डॉट एक्सएमएल है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। तो ये शायद ये उसको उठा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन में अगेन नो सच मैथड, यानी कि हाइबरनेट सी एफ जी डॉट एनोटेशन डॉट। देखिए ये एक्सेप्शन जो आ रही है बेसिकली ये जार फाइल की वजह से आ रही है, क्योंकि मैंने जो जार फाइल यहाँ डाला है ये जार फाइल वो वैलिड नहीं है। मैंने गलती से इसके अंदर जो जार फाइल ऐड किया हुआ था ये मैं इसको अब प्रोजेक्ट पे जाके फिर से इसे रिमूव करूँगा यहाँ से। ये जितनी भी जार फाइलें हैं ये गलती से मैंने, ये पहले मैंने जार फाइल दूसरा डाउनलोड किया था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप क्वेश्चन है कि कौन सी जार फाइल आपको डालना है, तो देखिए मेरे पास दूसरी जार फाइल है। ठीक है, एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा, जार फाइल्स जो है मैंने यहाँ से बदला है। तो ये जार फाइल की जो लोकेशन है ये यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से ऐड एक्सटर्नल जार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जार फाइल को समझना कि कौन सी जार फाइल ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। तो इनकी ज़रूरत है बेसिकली, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जार फाइल मैं आपको अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट ही डाउनलोड हो जाएगा, उस जार फाइल आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन को दोबारा रन एज करते हैं। रन एज यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं जरा एप्लीकेशन रन हो गई और यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आया। मैं मैसेज दे सकता था बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अब एक्सेप्शन दूसरा है, यहाँ एक्सेप्शन दूसरा है, एक्सेप्शन आ गया है। यहाँ पे एक्सेप्शन आया कि आपकी जो मैपिंग फाइल है माई पैक पैकेज के अंदर emphbm.xml ये नहीं मिला। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास सीएफजी के अंदर ये सीएफजी में हमने इसकी एंट्री करी हुई थी, तो सीएफजी के अंदर emphbm.xml, तो मुझे ये माई पैक डॉट नहीं लगाना है, स्लैश लगाना है बेसिकली, क्योंकि ये माई पैक पैकेज के अंदर है तो स्लैश के साथ इस रिसोर्स की एंट्री देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को दोबारा रन कर देते हैं। वैसे मुझे स्लैश भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अब दोबारा रन कर देते हैं। तो अब जब मैंने एप्लीकेशन को रन करा दोबारा, तो आप देख सकते हैं कि अभी अभी तो कोई मतलब एरर नहीं है यहाँ पे। अगर कंसोल पे कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है, वैसे मुझे यहाँ सक्सेस या फेल का मैसेज प्रिंट कराना चाहिए था कि डेटा इंसर्ट हो गया या नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कंडीशन। बट यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लॉग मैसेजेस हैं। बट ये पूरा कोड होने के बाद, यानी कि आप यहाँ से पूरा कोड देख सकते हैं कि अब यहाँ से अगर कोई मैसेज नहीं है तो आई होप ये सारा डेटा जो है मेरे डेटाबेस में स्टोर हो चुका होगा।
तो चलिए जरा मैं अपने एचबीएम में देखता हूँ, मैंने टेबल किस नाम से दिया था, मैंने टेबल दिया था यूजर नाम से। तो जरा मैं चेक करता हूँ कि मेरे माय एसक्यूएल के अंदर यूजर नाम का टेबल बना है या नहीं बना है। यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं इस हाइबर वाले प्रोजेक्ट में ही। नहीं देखिए, अब ये दोबारा मैंने रिफ्रेश किया तो यूजर नाम का टेबल यहाँ पे आ चुका है। और यूजर टेबल जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप जो यूजर टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस यूजर टेबल के अंदर डेटा भी आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आप इसके डेटा को देखोगे तो देखिए यहाँ पे इसका डेटा आ गया, आईडी आ गया, राम आ गया और ये डेटा आ गया। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा एंट्री डालोगे तो दोबारा डेटा आ जाएगा। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं ये सारा कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आपको बताऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।